कराची के नेशनल म्यूजियम में सिंध के नाले वाले कहानीकार नसीम खरल की 39 वर्षी की तकरीब कोठाई हुई। तकरीब में सिंध के वो वजीर सैयद मुराद अली शाह मेहमान खास तौर रो। कानून वो सूबाई वजीर ज़ियाल हसन लंजार, सेहत वो सूबाई वजीर सिकंदर मंदरो, एडवोकेट जनरल सिंध जमीर घुमरो, चेयरमैन PAC सिंध सलीम रजा जलबाणी, नसीम खरल जो भा MPA नईम खरल, सेक्रेटरी सकाफत अकबर लगारी समेत वे अंग में शायरन अदीबन ए अदब से चार रखदड़न शिरकत कई। तकरीब में खिताब कंदे वरी वजीर चयो त नसीम खरल की जुबान आम मानुन जी जुबान है। नसीम खरल की खासियत ये होंगी उनकी कहानी की तो वह जबान जी इस्तेमाल कद कहानी में वह बिल्कुल उन कैरेक्टर या उन कल्चर के मुताबिक होंगी। उन मौके से वरी वजीर ऐलान कियो त खैरपुर के सुपीरियर साइंस कॉलेज के नसीम खरल के नाले से मनसूब किया वो। खैरपुर में सुपीरियर साइंस कॉलेज है, ऐलान कह तो नालो नसीम खरल साहब के नाले से क्यों था। मैं वरी भी लोकली पुछी वस इंशाल्लाह ताला यो अच्छा यो एकड़ी नंडी सिंध हुकूमत की तरफा ट्रिब्यूट होंगी। तकरीब में शरीक अदीबन ए लेखकन सिंधी न्यूज से गालाइंदे चयो त नसीम पेंजी कहानन में समाजी मसलन के उजागर कयो। चंद कहानीकार हा जेमे जमाल अबड़ो ए नसीम खरल ये मतलब नाला तो आन पर एकड़ा लीजेंडरी नाला जेके पंजी जाय ठान जो भी कहानियां 32 कहानियां लिखी लेकिन वो तारीख में एक बड़ा रोल बन गया है। और सिंधी कहानी जो मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ पाकिस्तान में सबसे मजबूत कहानी सिंधी में लिखी जा रही है। नसीम खरल जी निराल पई आए तो नसीम खरल जो बोली खी आयो कहानी में वह सिंधी कहानी में अग को न हुई उन बोलिए जो ही पान खालको जो आसपास हो नसीम जो वो सजे जो सजो असें जन तो जीरो उनके कहानियों में उतां जी बोली उतां जा किरदार उ असें जन तो जीरो जागंदा असें आसपास। नसीम खरल के पुट फैसल दारा शिको वालद की वर्सी वाली तकरीब कोठाण से सकाफत खाते जो थोड़ो मनीदे कंखे याद करना कंखे उ भेटा देना ये ढो जरूरी है। उनमें बो कुछ भी न घट में घट उन चाहींदड़ उन्हें खबर पवे थी तो ये केतरो अजीम इंसान हो या उन धरती के लिए या बोली के लिए कड़ो कम कयो। वर्सी वाली तकरीब कराइंदड़ सकाफत खाते के वजीर सरदार शाह चयो त नसीम खरल जड़ा कहानीकार सदन में पैदा थींदा आइन। फिक्शन कहानी के हवाले से एक ट्रेंड सेटर राइटर हो जे पंजा रस्ता पान ठाया जैमें शहरी समाज भी हो जैमें बहराड़ी भी हुई निज पिज बहराड़ी जो मानू हो जाहिर गाल शहरी लाइफ भी गुजारी हो पर उन मानू की वही खूबी इं हुई तो नसीम खरल की तो तादाद थोड़ो है मकदार थोड़ो है मयार अस। नसीम खरल जो कहानियों सिंधी अदब जो वो असासो आन जिनके न सिर्फ उर्दू में पर बेन बोलन में भी तर्जमे करने की जरूरत है। नसीम खरल की वर्सी में आयल मेहमान जो चवण है त नसीम खरल एक आला सतह जो कहानीकार हो जिनकी कहानी में समाज की औकासी है। कैमरामैन कलीम कोकर सागर अब्दुल्ला सोलंगी सिंधी न्यूज कराची।